कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी के निधन का हम सभी को दुख रहा है। तो वहीं एक तरफ हैरान कर देने वाली बात तो ये सामने आ रही है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को क्यों इन चीजों में घसीटा जा रहा है। वेल, आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग तो जैसे मानो सलमान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तो आइए जानते हैं इस केस को लेकर कि हमारी आम जनता हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आजकल सुनने में आ रहा है कि सलमान खान को काफी थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको गोली मारने की भी धमकी दी जा रही है और अभी सरेआम काफी लोगों को भी गोली मार दी जा रही है। आई डोंट नो गलती किसकी थी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दैट। सलमान खान के ऊपर थ्रेट्स देना भी अच्छी बात नहीं है। सलमान खान पे जो अटैक हुआ था वो शायद किसी के जो जलता है जल्दी, क्योंकि सलमान खान और कितनी गरीबों लोगों का भला किया है, कितनी गरीबों का इलाज कराया है और फ्री में अस्पताल, स्कूल की फीस, पढ़ाई, कितनी का हेल्प किया है। किसी को मारना गलत है, हो गया ना भाई उसका सिद्दीकी के यहाँ। तो मुझे लगता है कि अभी सॉरी बोलना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए जो भी मैटर है। करने के ऊपर होता है यार, जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा टाइप है। रियलिटी ये भी है कि वो भी ठेट देते थे एक समय पर सो अभी उनको मिल रहा है, तो ये जैसा आप बोगे वही काटोगे भाई। वो विष्णु समाज वो है ना जो है, उनका कुछ बोल नहीं सकते, वो तो उसका है कि उसने डिसीजन लिया है तो लिया है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए बज़ूका के साथ।